नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है न्यूट्राबे वे आइसोलेट जो उनका प्योर सीरीज़ है उसका फर्स्ट रिव्यू मैंने किया था और रिस्पांस अच्छा था। कंपनी ने आके कमेंट किया तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कंपनी को कि उन्होंने आके कमेंट किया। जो भी कंपनी आके कमेंट करते हैं अपने पोटेंशियल बायर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो अच्छा होता है। ये वीडियो है उसके लैब रिपोर्ट का, पर लैब रिपोर्ट आ गया है तो उसके बारे में बात करेंगे, पर उसमें जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं एड्रेस कर दूंगा जो कि मैंने रेस किया था, फिर न्यूट्रामे ने आके उनको अपने तरफ से कुछ एड्रेस किया है। तो मुझे मेरे व्यूअर्स इंस्टाग्राम में हो या फिर कमेंट सेक्शन में हो कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। थोड़ा आप जो बोल रहे हैं, न्यूट्रावे जो बोल रहा है, तो सब मिला के कन्फ्यूजन है। तो मैं अपने तरफ से फिर से बोल रहा हूँ कि एक्चुअली इशू कहाँ पे है, ठीक है? तो जल्दी से ख़त्म करेंगे वीडियो, एक लंबा तो है नहीं क्योंकि एक्चुअल रिव्यू तो आपने देख लिया है। तो पहली बात यह है कि देखिए, कोई भी इंडस्ट्री धीरे धीरे मूव करता है, इवॉल्व करता है। तो अपने यहाँ पे जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री था कुछ साल पहले चालू हुआ था, अभी इवॉल्व करके एक ऐसा जगह पर आया है जगह दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जनरली। एक है जो अपना सोर्स बोलते नहीं है कहाँ से लाते हैं, दूसरे हैं जो बोलते हैं अपना सोर्स कहाँ से लाते हैं। मतलब वो धीरे धीरे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से ला रहा हूँ, ये मेरा प्रोटीन का सोर्स है। तो दो टाइप, तो दोनों के मेरिट है डीमेरिट है, मतलब अच्छा बुरा दोनों के हैं, ठीक है? तो मैं तो हमेशा कहूँगा अगर आप बोल पाते हो वो अच्छा होता है क्योंकि कस्टमर को मालूम पड़ता है कि एंड यूज़र जो खा रहा है अपने शरीर में दे रहा है ना, तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए तो मैं डेफिनेटली न्यूट्रोबे को कुदोस कहूँगा कि आप बोले हो कौन सा आपका सोर्स है। पर अब अगर मैं एक बायर की तरफ से सोचता हूँ तो देखिए, इसमें दो और चीज़ है कि मतलब जो लोग बोलते हैं कि कहाँ से हम ला रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो इसमें और एक चीज़ हो जाता है। देखिए, जो भी कंपनी है, कुछ कुछ कंपनी में रिसर्च करके देखा जो अपना सोर्स बता रहे हैं, ग्लैनबिया प्रोवोन या फिर वन लैक, वो अच्छे कंपनीज हैं, मतलब वो नोन है मार्केट में, पर उतने नोन नहीं है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये समझिए थोड़ा। मान लीजिए मैं मेरे चैनल में आप आ रहे हैं, कोई कोई मुझे पूछते हैं कि आपका ये न्यूट्रिशन या फिर फिटनेस में कोई सर्टिफिकेट है, मैं बोलता हूँ नहीं है। बहुत लोगों का है यूट्यूब में, बहुत बहुत बड़े इंडिया में यूट्यूबर्स हैं जिनके सर्टिफिकेट्स हैं। तो जब भी आपको मालूम पड़ता है उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, वो कि यूएसए से हो गया, यूके से हो गया, इंडिया से हो गया, कहीं से भी हो गया, तो आप उनको ज़्यादा सम्मान देते हो। सिंपल, हम इंडियन हैं, हम पढ़ाई को, पढ़े लिखे लोगों को बहुत सम्मान देते हैं, तो मैं भी दूंगा, आप भी दोगे। पर हम किसके ऊपर बेस करते हैं ये? उनके पास सर्टिफिकेट है इसके ऊपर। कभी जाके आप पूछते हैं कि मुझे ज़रा लिंक दीजिए आपके सर्टिफिकेट का? पर आपको पूछना चाहिए। मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप ला रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जैसे कोई अगर बताए कि उसके पास सर्टिफिकेट है फिटनेस का, न्यूट्रिशन का, और इसके ये बस इंफॉर्मेशन लेके आप उनको समझते हो वो बढ़िया है, राइट? सिमिलरली अगर कोई कंपनी बोलता है मैं कोई बहुत ही बड़ा कंपनी से अपना प्रोटीन सोर्स कर रहा हूँ, जैसे ग्लैनबिया हो गया या फिर अपना एग्रोप्योर बायप्रो हो गया या फिर आइसोचिल हो गया, तो क्या होता है वो अपना बार रेज कर देता है, तो सारे कंपटीशन से खुद को अलग करके ऊपर करता है कि भाई इसके नाम के साथ ग्लैनबिया जुड़ा हुआ है, ठीक है? अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर आप मार्केटिंग किस साइड से देखें तो ये उनको सेपरेट करता है पूरा मार्केट से। तो जब ये होता है तो हमें एज व्यूअर्स और एज कस्टमर्स, राइट, एज कस्टमर्स हमारा ये राइट होता है ये उनसे पूछना कि सर्टिफिकेट दिखाइए। इस मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कन्फ्यूजन पैदा होता है और वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आ रहा हूँ। पर पहले आप कन्फ्यूजन देख लीजिए। देखिए, मैंने देखा कुछ कुछ और प्रोडक्ट प्रोवोन और एवोनलैक यूज़ करते हैं, जैसे आपका बॉडी फर्स्ट हो गया। बॉडी फर्स्ट अपना प्रोटीन में 84.43% ऑफ ग्लैनबिया प्रोवोन यूज़ करते हैं, वो अपने साइट में लिखते हैं, और न्यूट्रावे भी बोल रहा है। तो देखिए, न्यूट्रावे 100% यूज़ करता है, ये लोग 84.43% यूज़ करते हैं, तो मैंने इसको 100% में कन्वर्ट कर दिया। और फिर मैंने इसका प्रोफाइल, ग्लैनबिया प्रोवोन का मेरे पास जो प्रोफाइल है और न्यूट्रावे का प्रोफाइल, इन तीनों को पास में रखा, कोई लिंक नहीं है, डिफरेंट है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है मुझ में एज ए कस्टमर, ठीक है? फिर मैं देखा बिग मसल, बिग मसल का एक कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट है रियल एंड रॉ, उसमें वो एवोनलैक यूज़ करते हैं, उसका भी 30 ग्राम स्कूप है, न्यूट्रोबे का 30 ग्राम स्कूप है।
मैं पास दोनों को रख रहा हूँ, आप देखिए उनमें भी डिफरेंसेस हैं, कम हो ज़्यादा हो डिफरेंसेस हैं। अगर दोनों, अगर ये सब सेम सोर्स से आ रहा है तो फिर इनमें डिफरेंस क्यों होगा? तो न्यूट्रबे का जो आंसर था, और मेरे कुछ दर्शक बंधुओं ने भी लिखा है कि देखिए एक चीज़ होता है, जब भी कोई बड़ा कंपनी बैच में वे प्रोड्यूस करता है तो बैच टू बैच उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी डिफरेंट होता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो उनका अमीनो एसिड प्रोफाइल डिफरेंट हो जाएगा, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, एकदम सही बात है। तो इसीलिए शायद क्या होता है, बॉडी फर्स्ट कुछ बैच यूज़ कर रहा है, न्यूट्रबे कोई बैच यूज़ कर रहा है और अपना बिग मसल कोई और बैच यूज़ कर रहा है। तो मुझे एज ए कंज्यूमर और ए कस्टमर इसमें श्योर होना है कि मैं ठीक चीज़ ले रहा हूँ, मैं धोखा नहीं खा रहा हूँ, राइट? तो क्या हो सकता है इसमें? तो आप लोगों ने ही, मतलब न्यूट्रबे और मेरे वो दर्शक बंधु जो है वो सब मिलके ही सही आंसर दे दिए। देखिए हर एक कंपनी जब आपको ये देते हैं ना बैच में चीज़ के, ये बैच आ गया ग्लैनबिया का 2017 का, 2018 का, 2019 का, तो उस बैच में सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आता है, COA बोलते हैं, जो कंपनी का मोहर लगा होगा, साइन होगा वगैरह वगैरह, तो होगा ही नहीं। मतलब हम जैसे लैब टेस्ट करते हैं, वो भी अपना वो पूरा बैच का रैंडम लैब टेस्ट करके अमीनो एसिड प्रोफाइल, फिर प्रोटीन कंटेंट सब कुछ निकाल के हैंडओवर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसको भी, और दे देते हैं, और वहाँ से उसका जेरोक्स वगैरह या फिर ई कॉपी सबको दिया जाता है जो भी लेता है उससे, तो इसको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस कहते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप प्लान भी यूज़ करो, हमें कोई मतलब डाउट भी नहीं है, आप कर रहे हो डेफिनेटली, पर ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना अमीनो एसिड प्रोफाइल में और ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है, इसके लिए आप सिंपल सी जो चेस करते हैं, तो ये है, ये स्टैम्प और साइन वाला जो कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है अपना, ग्लैनबिया प्रोवोन का, ग्लैनबिया वन लैक जिसका भी हो, वो आप साइट में अपलोड कर दो। और ये मैं न्यूट्रबे को नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे कंपनीज को बोल रहा हूँ जो जो ये सोर्स बोल रहे हैं, राइट? क्योंकि आपके नाम के ऊपर बेस करके मैं तो नहीं लूँगा, मैं लूँगा आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है, पर आपको प्रोडक्ट ही लूँगा दूसरे प्रोडक्ट को छोड़ के, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा ग्लैनबिया प्रोवोन, सो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को फिक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप वो अपलोड कर देते हैं तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं उससे, मैं एज ए कस्टमर, मेरे पास दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक कोई डिफरेंस नहीं है अमीनो एसिड प्रोफाइल में या फिर प्रोटीन कंटेंट में, दूसरा आप मुझे पुराना चीज़ नहीं बेच रहे हो। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में तो डेट वगैरह लिखा होगा ना, तो आप अगर 2019 का यूज़ कर रहे हैं मैं खुश, अगर आप 2017 का, 2016 का बैच का यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको पूछूंगा ना, इतना पुराना क्यों यूज़ कर रहे हैं आप? तो कस्टमर बेनिफिट, इस चैनल में हम हमेशा कस्टमर बेनिफिट्स देखते हैं, तो कस्टमर बेनिफिट के लिए हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, आप सब कुछ ठीक है, प्रोटीन मिक्स वगैरह सब कुछ सही हो रहा है, बस ये जो कन्फ्यूजन है और अभी भी कन्फ्यूजन है, उसके लिए आप थोड़ा वो सर्टिफिकेट एनालिसिस अगर अपलोड कर दें, तो फिर आप नहीं, सब कंपनी जो भी है जो यूज़ कर रहे हैं नेम, तो फिर बढ़िया हो जाएगा। और दूसरी बात जो एक कन्फ्यूजन था वेट के लिए, और आपने जवाब में लिखा है कि होम वेइंग स्केल्स आर ऑलवेज हैविंग इश्यूज, सो देखिए ये होम वेइंग स्केल जो है ये मेरा वज़न नहीं लेता, मतलब ये ह्यूमन वेट नहीं मेजर करता कि 500-600 ग्राम का डिफरेंस हो जाए, ये खाने का स्केल है, मतलब फूड स्केल, डिजिटल फूड स्केल, इसका डिफरेंस होता है 1 ग्राम 0.5 ग्राम में मैक्सिमम, अगर होता है भी तो। तो मैंने जो डिफरेंस देखा वो 30 ग्राम का था, मैं इसका बिग कोई इशू नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक पैकेट में हो ही सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके हर पैकेट में है, मैं बोला देखिए मैं एज ए कंज्यूमर देखा हूँ, आप देखें तो अच्छा है। तो बस इतना ही है, और बस इतना मुझे क्लैरिफाई करना था अपने तरफ से कि इश्यूज क्या थे, एड्रेसेस क्या हुए, और मुझे क्या लगता है सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि कन्फ्यूज तो मैं अभी भी हूँ, मतलब आपका आंसर सही है पर कन्फ्यूज मैं अभी भी हूँ, क्योंकि आप अकेले नहीं, ये सारे कंपनीज मिलके मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ। तो ये बात हुआ, अभी आते हैं लैब टेस्ट में। आप ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इन लोगों का कहना है कुछ 89% के आसपास है इनका एज इज बेसिस प्रोटीन, एज इज बहुत कम कंपनी बोलते हैं, बोल रहे हैं बहुत बढ़िया है। हमारे पास आया है 87.53% विच इज़ आउटस्टैंडिंग, क्योंकि देखिए एक तो है ये 2% 1.5% का डिफरेंस कुछ होता नहीं है, पर हम जोन्स फैक्टर यूज़ करते हैं जो उनका जोन्स फैक्टर जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, तो अगर वो डिफरेंस होता है तो 2% का डिफरेंस आ जाता है। तो उस हिसाब से इनका लैब रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, बस मेरा एक ही कंसर्न है और एक रिक्वेस्ट ही है जो मैं सारे वीडियो में बोल रहा था, वो अगर ये कर दे तो बहुत ही बढ़िया है। तो दैट्स प्रीमच इट, और नीचे जो अमेज़ॉन का लिंक होगा उसमें मेरे फेवरेट प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ है,
अगर आप जाके ले सकते हैं वहाँ से तो चैनल को हेल्प होगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम सुस्त और तंदुरुस्त रहिएगा, फिर मिलते हैं.